की दुकान में तो रेफ्रिजरेटर ये सारा हमारा बिजली से ही चलता है। अगर इसका यूनिट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स हमारे इनकम में या हमारे ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार से कहूँगा कि इसे ना बढ़ाएं, इस बिल को ना पास होने दें। बिजली बिल हो सके तो हमारे लिए कम ही करे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम लोग और ग्रोथ कर सके। और डोमेस्टिक का तो ठीक है, लेकिन बिजनेस पर्पस वाले को लेकर तो समस्या ही होगा। डोमेस्टिक में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी घर के समस्याएं बढ़ेंगी। और बिजली बिल जितना आज के समय में तो बिजली बिल काफी इम्पोर्टेंट हो गया है, सबको चाहिए ही चाहिए। अभी तो सरकार बोलती है कि 2400 घंटा बिजली बिल देंगे। अगर इस तरह करके अगर इफेक्ट अगर बढ़ाइएगा तो कम से कम फुलफिल भी कीजिए, 24 घंटों की बिजली बिल दीजिए। अभी तो 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे बिजली काफी कट रही है रांची में, जो नहीं होना चाहिए। हमारे तो काफी बिजली से ही डिपेंडेंट है हमारा सारा केक और जो भी है। अगर बिजली अगर 2-3 घंटे के लिए इफेक्ट करता है तो हमारे बिजनेस में इफेक्ट करता है, हमारा केक इफेक्ट होता है, सारा कुछ इफेक्ट होता है उसके चलते। और क्या, सरकार को यही बोलना है कि ना करे और हम लोग के बारे में कुछ सोचे। बिजली बिल बढ़ेगा तो उसमें हम लोग का खर्चा बढ़ेगा, ऐसे ही पूरा महंगाई बढ़ा हुआ है। सरकार से नहीं बढ़ाना चाहिए बिजली बिल, GST और नोटबंदी के बाद से है ना, तो बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा, लोग दे नहीं पाएगा, बिजली बिल ड्यू रह जाएगा सबका।